जबान संभाल के 2 दिन के वर्कशॉप का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। सबसे जो यूनिक बात जो है वो ये है कि कंटेंट काफ़ी यूनिक था। मैं रीडर हूँ तो मैं सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ती हूँ एंड मैंने बिजनेस वाइज या कॉलेजेस के थ्रू भी या अदरवाइज भी ऐसे कई सारे सेमिनार्स ऑलरेडी अटेंड किए हैं या वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं। तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कंटेंट कभी कभी रेपिटेटिव भी हो जाता है या फिर यू नो कंटेंट काफ़ी ज़्यादा एडवाइस के फॉर्म में होता है कि ऐसा करिए ऐसा नहीं करना चाहिए। बट जमान संभाल के की स्पेशलिटी ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम के रूट पे काम करते हैं और मतलब ऐसे ऐसे फैक्ट्स यू नो आप रियलाइज़ करोगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप पॉन्डर करोगे उसके बारे में सोचोगे जो आपने शायद कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस पर ध्यान ही नहीं जाता है। एंड उन चीज़ों को भी आप लाइक एक उन प्रॉब्लम्स को भी आप इनकाउंटर करोगे जो आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं, मुझे कोई समझ नहीं रहा है या इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। एंड वो इतने अच्छे से बहुत ही सिंपल वे में इस वर्कशॉप के थ्रू समझ में आ पाता है। नाम से बहुत ही क्वर्की सा नाम है, लगता है पता नहीं क्या ही होगा वर्कशॉप में। एंड डिस्क्रिप्शन में भी हमें जब बताया गया था तो था कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स सुन के भी सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि यू नो लाइक प्रोफेशनल स्किल्स या समथिंग लाइक दैट, उससे रिलेटेड कुछ होगा। बट ये उन कम्युनिकेशन स्किल्स से भी बहुत ज़्यादा डीप एंड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लेवल पे है, विच नॉट ओनली यू नो कवर्स योर प्रोफेशनल एस्पेक्ट बट ऑल्सो आपके पर्सनल लाइफ में भी कम्युनिकेशन किस तरह से होना चाहिए और कितना इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर भी ये वर्कशॉप काम करती है एंड उसके ऊपर ये ज़्यादा बेस्ड है। तो बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट्स थे एंड बेसिकली अगर एक सेंटेंस में कहें तो अनवायरिंग एंड वायरिंग के ऊपर ये पूरी वर्कशॉप बेस्ड है एंड इसका पार्ट बन के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैंने बहुत कुछ सीखा एंड आई होप कि मैं मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें प्रैक्टिस में ला सकूँ ताकि यू नो एक अच्छा चेंज मैं खुद में ला सकूँ एंड देन बाहर भी वो रिपल इफेक्ट में मल्टीप्लाई हो सके। थैंक यू।